www.attableek.com, the reviver of Iman. الذي خصصنا بالمخلوقات ومصر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله الذي يرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى صوم لي وعن عوجه ما سال المعقل بزرگ الدين وجوان حيو عزيز اللہ رب العزت کا بہت بڑا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسا متبرک رحمتوں برکتوں مغفرتوں سے لبریز مہینہ عطا فرمایا. اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے. جو خصوصیات دوسرے مہینوں کو حاصل نہیں ہیں وہ خصوصیات اپنے اس مبارک مہینے کو عطا فرمائی. یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ رمضان شریف جامع عبادات اسلام کے جو ارکان اربع اسلام کی یہ جو چار فرائض ہیں اسلام کی جو چار عبادتیں ہیں وہ چاروں عبادتیں اپنی کامل شکل میں رمضان شریف کو حاصل رمضان شریف میں موجود. وہ دعویٰ ایسا دعویٰ ہے کہ کوئی دوسری عبادت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی. اسلامی عبادات میں اہم ترین عبادت نماز. سب جانتے ہیں کہ نماز اسلام ایک سکون ہے ایک اہم ترین عبادت ہے اور وہ بہت سی خصوصیات میں دیگر تمام عبادات سے بڑھی ہوئی عبادت ہے. کسی دوسری عبادت کو وہ خصوصیات حاصل نہیں ہیں جو نماز کو حاصل. مثلاً نماز سب سے پہلے فرض ہوئی. نماز آسمان پہ فرض ہوئی جبکہ ساری دوسری عبادات جو ہیں وہ فرشی اور نماز عرشی. حضور تشریف لے گئے تھے معراج میں وہاں فرض ہوئی ہے جبکہ روزہ زکوٰۃ حج اور دوسری تمام عبادتیں زمین پہ فرض ہوئی ہیں. زیادہ تر سن 2 ہجری میں مدینہ طیبہ میں فرض ہوئی ہے لیکن نماز مکی نماز عرشی اور نماز شمسی دوسری سب عبادتیں قمری ہیں. نماز کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ شمسی وہ سورج پہ چلتی ہے جبکہ ساری عبادتیں چاند کے ارد گرد گھومتی ہیں. ان کا سب کا حساب چاند پہ چلتا ہے چاہے رمضان ہو چاہے زکوٰۃ کا مسئلہ ہو چاہے حج کا مسئلہ ہو اور چاہے اسلام کی کوئی دوسری عبادت ہو چاہے مہینوں اور تاریخوں کا حساب ہو سب چاند پہ چلتا. چاند ہی کو اس کے لیے جنتری اور معیار بنایا ہے قرآن
हदीस में है, यसालून का अनिलाहिल्ला, आपसे चांद के बारे में पूछते हैं कि ये चांद घटता बढ़ता क्यों है। आपने ये सवाल हुजूर से किया, जवाब दिया कि कुल ही अबाखिदुल्लिनास वल हज, चांद का ये घटना बढ़ना तो एक जंत्री का काम देता है, हज के महीनों की तयीन करता है। जब चांद निकल आए ईद मनाओ, चांद दिख जाए रमजान शुरू हो गया, चांद दिख गया रमजान खत्म हो गया, चांद दिख गया शुरे हज शुरू हो गए, चांद दिख गया तो बकरीद का हिसाब शुरू हो जाता है। सारा मसला चांद से लगता है, इसीलिए अगर किसी बस्ती के लोग चांद का हिसाब ना रखें, चांद की तारीखों को याद ना रखें तो सब गुनहगार। इसलिए 10-5 लोगों को चांद की तारीख का हिसाब रखना, चांद वक्त पर देखना जरूरी है। अगर वो रख लेंगे तो वो सबको बता देंगे तो सब गुनाह से बच जाए। लेकिन अगर पूरी बस्ती में एक आदमी भी इसकी फिक्र नहीं करता तो सब के सब गुनहगार होंगे। इसलिए इबादतें उस पर डिपेंड, चांद ही तो रोजा हो या हज हो या जकात हो, जकात भी चांद से ही, फिर साल भर में जकात वाजिब होती है, हिसाब चांद की तारीखों से रखना पड़ेगा, चांद के महीनों से ही साल को शुमार करना पड़ेगा। चांद का साल 10 दिन छोटा होता है सूरज के हिसाब से। सूरज वाला जो साल है वो 365 दिन का होता है और चांद के हिसाब से साल 355 दिन का होता है, फर्क है 10 दिन। तो सारी इबादतें कमरी हैं, कमर चांद पर चलती है। नमाज जो है वो शम्स, वो सूरज पर चलती है। सूरज ढल गया जोहर पढ़ो, सूरज ढल कर दो मिसल साया हो गया असर पढ़ो, सूरज गुरूब हो गया मगरिब पढ़ो, सूरज गुरूब होकर शफक अबियाज या अहमर गुरूब हो गया ईशा पढ़ो, सूरज निकलने में इतनी देर बाकी है फजर पढ़ो, सूरज निकलकर इतना बुलंद हो गया इशराक पढ़ो, सूरज निकलकर इतना बुलंद हो गया चाश्त पढ़ो, ये सब सूरज पर चल। मालूम हुआ कि नमाज शमसी है, नमाज मक्की है, नमाज अर्शी है, जबकि दूसरी इबादत फर्शी है जमीन पर पड़ो, दूसरी इबादत मदनी है, दूसरी इबादत कमरी। नमाज को एक खसूसियत ये भी हासिल है कि वो डेली, दूसरी इबादत डेली नहीं है। रमजान साल में एक मरतबा, जक़ात साल में एक मरतबा फर्ज होती, अय्याम हज साल में एक मरतबा आते हैं और लोगों पर तो पूरी जिंदगी में एक ही मरतबा फर्ज। नमाज एक ऐसी इबादत है कि वो डेली, और फिर डेली होकर भी अजीब बात है कि वो नहारी भी है और लैली भी, यानी दिन की भी है और रात की भी। कुछ नमाज रात में पढ़ी जाती है जैसे मगरिब और ईशा, फजर भी रात ही होती है उसमें, कुछ नमाज दिन में पढ़ी जाती है जैसे असर और जोहर, तो वो दिन में भी पढ़ी जाती है रात में भी पढ़ती है। नमाज की एक खसूसियत यह है कि वो छुप के नहीं पढ़ी जाती, ऐलान करके पढ़ी जाती। जकात के बारे में है कि चुपचाप से दो, ऐसे दो कि दायां हाथ दे तो बाएं हाथ को खबर न हो, ऐसा हो सकता है कि दायां हाथ दे बाएं हाथ को खबर न हो, सोचो हो जाएगा ऐसा? अरे दोनों हाथ एक बॉडी में सेटअप है, जब एक में खुजली होगी तो दूसरे को नहीं पता चलता, दूसरे को पता चल जाएगा। जब एक हाथ किसी को 10 रुपए देगा तो इसको एहसास नहीं होगा कि यार कुछ बट रहा है, इसे भी पता चल जाएगा। तो हुजूर फरमा रहे हैं कि दाएं हाथ से ऐसे दो कि बाएं हाथ को खबर ना हो। क्या फरमाना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि दाया हाथ दे तो बाएं हाथ को खबर ना हो, खबर तो हो जाएगी,
हुजूर ये फरमाना चाह रहे हैं, एक आदमी दाईं तरफ बैठा हो, दूसरा आदमी बाईं तरफ बैठा हो, तो दाईं तरफ वाले ऐसे चुपके से दे दो कि इसे पता ही ना चले किसे पी दिया। इसलिए कि आदमी लेते हुए शर्मिंदा होता है, होता है नहीं होता, जब उसे दोगे तो ये अगर देख लेगा तो कहेगा कि इससे कुछ मिल रहा है। ये चाहता है कि मुझे दिया जाए, इस किसी और को पता ना चले। तो हुजूर दायां हाथ और बायां हाथ बोल रहे हैं और बोलकर मुराद ये ले रहे हैं कि दायां हाथ की तरफ जो बैठा हो उसको ऐसे चुपके से दे दो कि बाईं तरफ जो साथ बैठे हैं उन्हें पता ना चले, और बाईं तरफ वाले को जब दो तो ऐसे दो कि दाईं तरफ वाले को पता ना चले कि क्या दिया है, चुपके से दे। वो कोई चंदा करने वाला किसी सेठ के पास गया था चंदा लेने के लिए, तो वो उसने सेठ से कहा कि मैं गुलाम मदरसे से चंदे के लिए आया हूँ, तुम मुझे चंदा दे दो। तो सेठ ने सोचा ये कहाँ की मुसीबत, तो उसने कहा कि सुनाई नहीं देता क्या कह रहे सुनाई नहीं दे रहा क्या कह रहे हो, यहाँ पास आके कहो। तो उसने पास आके कान में कहा कि मैं चंदा लेने के लिए आया हूँ, 100 रुपये दे दो चंदा। तो उसने यूं किया कि ये कान तो बिल्कुल सुनता ही नहीं है, इधर कहो, ये कान बिल्कुल बस्ट है, ये सुन नहीं रहा है, इधर यूं इशारा करके कहा इसका इधर से आके इस कान में कहो। वो चंदा लेने वाले ने सुना कि ये मूड में देने के है, जब भी तो बार बार कह रहा है कि इधर नहीं सुनाई देता, इधर तो ये है। तो उसने सोचा कि ये देने वाला तो है, तो अब 100 मौ को जाने दो, 200 ही मांग लेने का। तो उसने इधर के कान में कहा कि मैं चंदा लेने आया हूँ, 200 रुपये दे दो। कहा इस कान में जो कहा था वही कहो, इस कान में 100 कहे थे, यहाँ 200 कैसे हो, अब कैसे सुनाई देने लगा। तो वो कह रहा है कि इस कान में तुम वही कहो जो इसमें कहा, उसने 200 कर लिए थे इस कान में। सुनेगा तो वो कान के सुने, ऐसे दो केदर वाला दे तो उधर वाले को पता ना चले। चुपके चुपके ज़कात दी जाती है, रोजे का भी किसी को खबर नहीं पड़ती कि रोजा है, कह दो कि मेरा रोजा है, उससे क्या पता चला कि रोजा है। बैतुल खला में जाके एक लोटा पानी पी लो, कौन देख रहा है, बैतुल खला में बैठ के एक लोटा पानी को देख रहा है, सिवाय खुदा के कोई नहीं देख रहा। नमाज एक ऐसी इबादत है कि वो ऐलान करके अदा होती, चुनाचे नमाज का जहां वक्त होता है फौरन 15 सेंटेंसेस मनारे पर खड़े होकर या माइक के सामने खड़े होकर 15 सेंटेंसेस लाउड किए जाते हैं और अजान दी जाती, खूब चीख के कहा जाता, जोर से कहो, जोर से आवाज दी जाती है कि नमाज के लिए आ जाओ, फलाह और कामयाबी के लिए आ जाओ। ये 15 कलिमात हैं जो जोर से पुकार जाते, ऐलान करके नमाज होती, सबको बुलाया जाता और फिर सब इकट्ठे होकर पढ़ते हैं, इज्तिमाइयत के साथ पढ़ते। इबादत बहसियत इबादत के इस बात का तकाजा करती थी कि छुप छुप के हो, चुपके से हो, कोई ना देखे। ये नमाज सबके साथ काय को हो रही, अरे नमाज को तो कहते हुए छुपके से कोई देखे ही नहीं, तुम और तुम्हारा खुदा। चुनाचे हुजूर ने तहज्जुद के बारे में क्या फरमाया, सल्लू बिललैल वन्नास नियाम, रात में कुछ नमाजें कुछ रकातें ऐसी पढ़ लिया करो कि सब सो रहे हो और तुम नमाज पढ़ रहे हो, तुम और तुम्हारा खुदा कोई ना देख रहा हो, इस तरह पढ़ लो। एक भूख सी उठती है सीने में, एक दर्द सा पैदा होता है, हम उस वक्त जगते रहते हैं जब सारा आलम सोता है। तन्हाई में अपने खुदा को इस तरह याद करो कि तुम हो और तुम्हारा खुदा हो, कोई ना देख रहा, कोई रिया की बुनियादी ना हो रियाकारी। इबादत मिन हैसुल इबादत इस बात का तकाजा कर रही थी कि ऐसे चुपके से नमाज हो कि किसी को पता न चले, अंदर हो, जैसे औरत की नमाज के बारे में आया कि दालान में पढ़ने से बेहतर है कोठरी में पढ़ना, और कोठरी में पढ़ने से अफजल है और कोठरी के अंदर कोठरी में पढ़ना, और उससे भी अफजल है कोठरी के कोने में पढ़ना, जितना ज्यादा छुप के पड़ी जाए। तो इबादत ही चाहता, लेकिन इस्लाम एक
इज्तिमाई यत का सबक देने वाला मसल है। वो ये बतलाना चाहता था कि तुम्हें एक इमाम की, एक पैगंबर की इक्तिदा की आदत डलवाना है। चाहे तुम बादशाह हो, चाहे तुम वजीर हो, चाहे तुम शहरी हो, चाहे तुम ताजिर हो, चाहे तुम गोरे हो, चाहे तुम सादात में से हो, कोई भी हो, सब के सब एक साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हो। यहाँ कोई इम्तियाज नहीं है। मस्जिद से बाहर हो गए तुम धोबी और मैं ताजिर, मस्जिद से बाहर हो गए तुम काले और मैं गोरा, मस्जिद से बाहर हो गए मैं देहाती और तुम शहरी। यहाँ आने के बाद जब सब में खड़े हो जाओ तो काले को पूरा हाथ है कि गोरे के पास खड़ा हो जाए, एक फकीर को पूरा हाथ है कि बादशाह के कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हो जाए। उसको ये मजाल नहीं है कि वो ये कह दे कि चूंकि मैं बादशाह हूँ इसलिए तुम दूसरी सब में जाओ, कतन नहीं कह सकते। उसे कोई अथॉरिटी नहीं, जो भी पहले आया है वो पहले बैठेगा, आगे बैठेगा। ऐसा नहीं है कि बड़े लोग पहली सब में बैठेंगे और छोटे लोग तेरहवीं सब में बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं। मस्जिद में ही आपके सारे इम्तियाजात खत्म हो जाते हैं। मसावात का अगर पूरा नमूना देखना है तो मस्जिद में देखो, दरसगाह में जाओगे तो उस्ताद बैठा होगा गद्दी पर और शागिर्द बैठा होगा सामने तिपाही के पास, दो जानू जिससे अलग पता चल जाता है कि वो शागिर्द है ये उस्ताद। अगर आप मस्जिद से बाहर ऑफिस में जाएंगे वहां आपको अलग पता चल जाएगा कि कौन शख्स ऑफिसर है और कौन शख्स अपना काम लेकर आया है उसके सामने खड़ा। दुकान पे आपको अलग मालूम हो जाएगा कि ये कस्टमर है और ये ताजिर। आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे अलग पता चल जाएगा कि ये डॉक्टर साहब हैं जो मेन जगह पर बैठे हुए हैं और ये मरीज है जो स्टूल पर बैठा हाथ दिखा रहा है। आजकल तो डॉक्टर भी ऐसे हो गए हैं कि वो किसी डॉक्टर के यहाँ एक साहब मरीज को लेकर गए तो डॉक्टर थे तो मरीज को तो बेंच पे बिठा दिया और खुद वो स्टूल पर बैठ गए जो डॉक्टर साहब के कुर्सी के पास बैठा हुआ, तीमारदार बैठ गए। डॉक्टर साहब आए वो कुर्सी पर बैठ गए और आते ही उसका हाथ पकड़ गए, अब तुम्हारे सर में दर्द होता होगा, पेट में गड़बड़ी होती होगी, हाथ पैर में दर्द। वो कह रहा है हजरत मैं तो तीमारदार हूँ, मरीज तो वहां कहा है, तुम यहाँ क्यों बैठ जाती ना भाई, उसको बिठाना चाहिए। अरे भाई उसे तो बिठाना चाहिए, तुम भी कुछ जानते हो, ये तंदुरुस्त को कह रहे हो तुम्हें बुखार आता होगा सर में। वो इत्तेफाक से यहाँ बैठ गए। ऐसे ही बातें मुमता हिंदी ऐसे ही आती है इम्तिहान लेने के लिए, कोई समझते हैं जो पहले बैठा है वो अव्वल नंबर का ताले, वो 50 नंबर का ताले। अब वो इत्तेफाक से बेचारा कहीं पेशाब मेशाब को चला गया, इधर ताले में खिसक के बैठ गए, उसे जगह नहीं मिली, पीछे बैठ गया तो नंबर भी 20 ही रह गए चूंकि पीछे बैठ गए। ऑफिस में तो पता चल जाता है कि ये ऑफिसर और ये काम लेकर आया, ये डॉक्टर है ये मरीज। मस्जिद में ये तफरीक सब खत्म हो जाती है, डॉक्टर के पास मरीज खड़ा हो, ऑफिसर के साथ में वो आदमी जो ऑफिस में काम कराने जाता वो भी खड़ा हो, ताजिर के साथ एक ग्राहक भी खड़ा हो। ऐसा नहीं है कि ग्राहक आगे ही खड़ा होगा, उस्ताद के साथ शागिर्द भी खड़ा हुआ। दर्शका की तरह नहीं है कि उस्ताद साहब कुर्सी पर बैठे और शागिर्द बेंच पर बैठा या उस्ताद साहब गद्दी पर बैठे और शागिर्द। मस्जिद सारे इम्तियाजात खत्म करा, वो बताती है कि मैं अल्लाह करता है। अगर जमात से नमाज नहीं होती तो पता कैसे चलता। फिर वो इत्तिबा सिखाती, यहाँ एक शख्स को आपने इमाम बना दिया, वो कहता कान पकड़ो तो सब खा लो, चलो मुर्गी बन जा, तुम मुर्गी बन सजदे में चले जा, सजदे में चले, एक उसके एक एक ऑर्डर पर सब झुक रहे हैं। जब आपको एक शख्स को इमाम बनाकर उसके एक एक कलमे पर झुकना आ जाएगा और आप उसके अल्लाह अकबर पर रुकू में और समी अल्लाह पर ऊपर और अल्लाह अकबर पर सजदे में चले जाएंगे तो आपको एक हैबिट हो जाएगी कि जब एक शख्स को अपना बड़ा मान लिया तो उसकी इत्तिबा करनी चाहिए। इसीलिए हुजूर ने फरमाया इमाम से आगे आगे मत भागो, जो शख्स इमाम से पहले रुकू सजदे में चला जाए उसे डरना चाहिए कि उसका चेहरा गधे की तरह न कर दे। हुजूर ने फरमाया कि गधे का चेहरा न हो जाए इससे डरना चाहिए, मस्त हो जाए, उससे आगे आगे मत भागो।
आदत पड़ेगी। जब इमाम की तकबीरात इंतकालात पर चलने की हैबिट पड़ जाएगी तो फिर किसी भी बड़े की इत्तिबा की हैबिट पड़ेगी, फिर पैगंबर की बात मानने की भी आदत पड़ेगी, क्योंकि हमने उसे पैगंबर माना। तो अगर नमाज को ये कहा जाता कि चुपके चुपके पढ़ लेना, तो ये जो मंशा था कि हम इज्तिमाइयत में मसावात दिखाएं और वो सारे फुरूक जो मस्जिद से बाहर इन्होंने कायम कर रखे, हम दिखलाएं कि एक जगह खुदा के घर में आकर एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद आया, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। इसका एक मुजाहरा हो रहा है, इसमें नमाज की सब और एक इत्तिबा की आदत पड़ रही। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि मुझे दो चीजों में बड़ा मजा आता है, एक जमात से नमाज पढ़ने में और दूसरे किसी के यहाँ दावत खाने। इसलिए जब किसी के यहाँ दावत खाना हो तो अपना कोई वर्क ही नहीं है, मिसवाक किया पहुंच गए, आस्तीन चढ़ाए बैठ गए, वो बेचारा सुबह से गोश्त खरीदता फिर रहा, मुर्गियां तलाशता फिर रहा, कचूमर का सामान लेता फिर रहा, बर्फ ढूंढता फिर रहा है, दर्दे के चावल तलाश कर रहा है, घर वाले लगे हैं चटनियां घोटने के लिए, कोई मसाला घोट रहा है, और हम आराम से सो रहे हैं कि जब वक्त आएगा मिसवाक करके पहुंच जाएंगे। कोई बात नहीं, सारा वर्क उसने संभाल लिया, इससे ज्यादा आसानी और क्या हो। और ऐसे ही जमात से नमाज पढ़ने में जाओ, वाह बर्फून जानो तुम्हारा, सूरह फातिहा तुम पढ़ो, बंदे सूरह तुम करो, तकबीरात जोर से तुम करो, हम तो डब्बे हैं इंजन के पीछे पीछे चलते रहे, तो इससे ज्यादा अच्छा क्या है, कुछ करना ही ना पड़े। तो दो काम ऐसे हैं कि जिसमें बहुत आराम है, कुछ करना ही नहीं पड़ता, इमाम लेके चलता रहे, हमें तो पीछे पीछे चल, इमाम जैसा कहे। तो ये अगर जमात से नमाज न होती, घर के कोने में पढ़ लेते, तो ये जो इस्लामी मसावात का मुजाहरा है कि आज दुनिया इसको देखकर कह रही है कि नहीं, इनकी एक इबादत ऐसी है कि इसने काले को और गोरे को और अमीर को और गरीब को और शरीफ को और रजील को और शहरी को और देहाती को और ऑफिसर को और नीचे के तबके सबको साथ में खड़ा, जो चाहे जहाँ खड़ा हो जाए, किसी की कोई मचाल नहीं। एक बादशाह का लड़का भी नमाज पढ़ा रहा हो तो 22वीं सफ में खड़ा हुआ एक फकीर का लड़का, अगर वो यहाँ कोई गलती करता है तो वो लुकमा दे दे और उसके बाप को लेना पड़ेगा लुकमा। वो ये नहीं कह सकता कि मुझे जैसा देखेगा कुरान पढ़ूंगा, तू फकीर का लड़का दो पैसे का आदमी मुझे बताता, वो कहेगा बताऊंगा चल नहीं दूंगा, ये कुरान मजीद है, तुम गलत नहीं पढ़ सकते, शहजादे हो गए तो अपने घर के हो गए, मुसल्ले में कुरान सही पढ़ना पड़ेगा। और एक फकीर के लड़के को भी अथॉरिटी हासिल है कि वो इमाम बन जाए और बादशाह सलामत पीछे नमाज पढ़े, उम्मती के पीछे भी नबी ने नमाज पढ़ी। देखिए नबी का दर्जा तो बहुत बड़ा हो, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी के पीछे नमाज पढ़ी, मालूम हुआ कि उम्मती के पीछे नमाज हो जाए, बड़े के पीछे छोटे की नमाज हो जाती है, छोटे के पीछे बड़े की नमाज हो जाती है। नमाज ही सबको बराबरी का दर्जा देने के देखने की जगह है, कोई आए और अल्लाह के घर में देखे कि अल्लाह के नजदीक उसके सारे बंदे बराबर हैं। ये फुरूक तो इन्होंने मस्जिद से बाहर कायम कर रखे, इनको आदत डालो कि जब मस्जिद में 5 मरतबा इनको ये आदत पड़ जाए कि फर्क मत किया करो, ताकि यहाँ आदत पड़े तो मस्जिद के बाहर भी फर्क ना किया। लेकिन हमारा हाल ये कि 72 साल से मस्जिद में फर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बाहर जाके फर्क कर रहे हैं, हमने फर्क करना नहीं छोड़ा। 2 रकात में 11 मरतबा हम ये कहते हैं कि अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह पर गिन लेना, 2 रकात नमाज में शुरू से आखिर तक 11 मरतबा अल्लाह सबसे बड़े हैं ये का कहलवाया जाता है। लेकिन फिर भी ये नमाज पढ़ने वाला मस्जिद से बाहर निकला के कहता है मैं बड़ा, 11 मरतबा कहकर आया कि कोई बड़ा नहीं है, सबसे बड़े तो अल्लाह है, सब छोटे, लेकिन बाहर निकलते ही कहता है कि मैं बड़ा। तो नमाज को बड़े इम्तियाजात हासिल हैं जो किसी इबादत को हासिल नहीं। लेकिन रमजान शरीफ दावा करता है कि
नमाज जो अहम तरीन इबादत है और सैकड़ों खसूसियात वो रखती है, उसमें कुरान पढ़ा जाता है, लाउडली भी पढ़ा जाता है, स्लोली भी पढ़ा जाता है, जोहर और असर में स्लोली पढ़ा जाता है और ईशा में, फजर में और मगरिब में लाउडली पढ़ा जाता है। क्योंकि अब रात हो गई है, सन्नाटे का टाइम है, जोर से पढ़ेंगे सबकी तवज्जो रहेगी, कुरान से तवज्जो हटाएंगे नहीं, दिन की नमाजों में इधर इधर डिस्टर्ब होता रहता है, रात में फोन जल्दी लगता है, दिन में इधर उधर हो जाता है। तो तुम्हें अगर फोन लगाना है तो रात में लगा, इसीलिए अल्लाह से अगर बातें करनी है तो रात में करो, दिन में तो सभी बातें कर रहे हैं, सभी फोन लगा रहे हैं दिन में, रात में लगाने वाले कम हैं, फौरन फोन लगेगा, इसलिए कि बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो 2 बजे रात को फोन लगा रहे हैं, 2 बजे रात को मुसल्ला बिछा के अपने अल्लाह से मशगूल हो, पूरी पूरी बस्ती में 2 आदमी भी नहीं निकल, फौरन फोन लगता है। तो हम दुनियावी फोन के लिए तो रात 11 बजे तक जागते हैं कि चौथाई लगेगा क्वार्टर हो जाएगा, दिन में मत लगाओ पैसे ज्यादा लगेंगे। अरे तो रात की नमाज भी पढ़ा करो, वो नमाज बहुत कीमती है, लेकिन रात में तो लोग थ्रेसर चलाते हैं, बाजे तो इतनी जोर से खर्राटे देते हैं कि बर्तानिया में मुझे लोगों ने बताया कि बहुत सी औरतों ने तो तलाक ले ली, ये कहा इसका बहुत के साथ हम कमरे में नहीं सो सकते, ये तो इतनी जोर से खर्राटे लेता है 10 साल हो गए पूरी नींद ही नहीं आई, इसलिए ऐसे खर्राटे वाले के साथ हम नहीं रह सकते, हम तो इससे तलाक ले, वहां औरत भी तलाक दे दे, आपके यहाँ तो मर्दी तलाक देता, उनके यहाँ औरत भी, पहले तो कहते थे कि तलाक देने का क्या सवाल, ये कौन सा सौदा है कि 10 साल हो गए अभी सौदा कैंसल हो रहा है, कोई तलाक मलाक नहीं, ये कहते थे कि ईसाई मजहब में कोई तलाक नहीं, ये तो इस्लाम में है, 50 साल हो गए, 50 बच्चे हो गए, अभी सौदा कैंसल हो रहा है, तलाक पड़ रही है, हमारे यहाँ कोई तलाक मलाक नहीं, लेकिन ये गैर फितरी बातें थी। अब तलाक आ गई, लेकिन आई तो कैसी उल्टी आई, दोनों तरफ से आए, पहले तो मानते ही नहीं थे तलाक, और मानने बैठे तो दोनों तरफ से मान ली, कहा ये भी दे सकती है वो भी दे सकती है, जब इसे अथॉरिटी है मर्द को तो औरत को अथॉरिटी क्या, इस्लाम ने तो कहा था कि बस इसे ही रहने दो, इसलिए कि ये देगा तो सोच समझ कर देगा, उसे मालूम है कि अगर मैं तलाक दे दूंगा तो कल वो मायके चली जाएगी, और ये 1 साल का बच्चा है इसे कौन पालेगा, इसे कौन पालेगा, मुझे पालना पड़ेगा, बेटा तो मेरा है, तो वो सोच समझ के दे, उसको क्या, वो तलाक देगी उसे बच्चा पालना का, बच्चा तो तुम्हारा, ये तलाक देगा इसे 50 बार सोचना पड़ेगा, कली रोटी बनाने का मसला आएगा, आएगा या नहीं आएगा ये तो सोचेगा, ये रोटी बनाना पड़ेगी, देखने में तो ऐसा लगता है यूं यूं करके बोल करके बना ली, इसमें क्या हुआ, क्या कमाल है औरतों का, यूं करके करे ऐसा काम भी कर सकते, तो कहना तो आसान है, जब बनाने बैठना कहीं लंका का नक्शा बनेगा, मलाली का नक्शा बनेगा, गोल नहीं होगी रोटी, इसलिए गोल होने के लिए बरस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, यूं देखने से क्या होता है, देख लिया कि यूं करती है तो इसमें गोल हो जाती है, तो हम भी करेंगे तो गोल हो जाएगा, अरे आप करेंगे गोल थोड़ी हो जाएगा, किसी खाड़ी को खराब करते देखा कहा हम भी करेंगे ऐसे हो जाएगा, जरा करके देखना, करके देखना, लाम इतना लंबा हो जाएगा नींद छोटी रह जाएगी, वो जो खराब कर रहा है वो तो बरसे उसने खपाई है जब जाके कर रहा है, पहले ही थोड़ी खड़ा होगी, क्या आप टोली लेके सड़क पर निकल जाएंगे, हम भी चला सकते हैं, जरा चला हाल ही टकरा देंगे किसी, कहना आसान है करने के लिए तो मश करनी पड़ती, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जो अहम टाइम है जिसमें वो ये कहते हैं कि हल में साइल, हल में मुस्तफर, कोई मांगने वाला है, कोई सवाल करने वाला है, मैं देता हूँ, लेकिन उस वक्त लोग आराम कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने हम पर रहम खा के रमजान की रातों में कानून दूसरा रखा है, वो ऑफिसेज जो रात में 2 बजे खुलते थे रोजाना 11 महीने रात में आवाज लगती थी आधी रात के बाद कि हल मिन साइल हल मिन मुस्तफिरिन, रमजान में मगर के बाद से शुरू हो जाता, रमजान में आसमान के सारे ऑफिसेज मगर के बाद से खुल जाते, 16 सादिक तक खुल जाते, और रमजान के अलावा सारे महीनों में आखिर शब में खुलते,
रमजान को ये फजीलत है कि शुरू में ये अहमियत है रमजान, ये बात किसी और बात किसी और महीने को हासिल नहीं। रमजान कई खसूसियात अपने साथ रखता है, उसमें से एक ये भी है कि आसमान के दरवाजे और अदालत आलिया मगरब के बाद से ही ऐलान कर देती है कि किसी को कुछ मांगना है, अपनी दरख्वास्त देना है, ला दे हम मगरब के बाद से ही ले लेंगे। ऐसे ही रमजान के तहफ्फुज के लिए कहीं ऐसा ना हो कि शैतान कमबख्त पीछे लगा हुआ है इंसान के, कहीं ऐसा ना हो कि 11 महीने के बाद तो एक इबादत आई ले दे के रोजे आए और ये शैतान नालायक कहीं रोजे ना बिगड़वा दे हमारे बंदों के, इसलिए इनको कुछ सेफ्टी देना चाहिए, नहीं 11 महीने की इबादत बिगड़ जाएगी। वो खुद ही हिफाजत करवाते हैं, खुद ही ऐसा निज़ाम बना लेते हैं कि इबादत होती 11 महीने के बाद रोजे आए, फिर साल भर के बाद आएंगे तो कहीं रोजे बिगड़ ना जाए और शैतान कहीं रोजे बिगाड़ ना दे। तो उन्होंने ये नज़्म कर रखा है कि पूरे महीने इमरजेंसी लगाए, हंगामी हालात का ऐलान। जब इमरजेंसी लगी होती है तो क्या होता है, बड़े बड़े लीडर अंदर सलाखों के पीछे बिना मुकदमा चलाए, मुकदमा नहीं चलता कि जुर्म साबित करो और फर्द जुर्म अदालत में ला, कुछ नहीं, पकड़ा और अंदर टाडा लग जाता है तो पुलिस ही जो केस बना ले बस वही केस हो जाता है, कोई उसमें सबूत वबूत की जरूरत नहीं पड़ती। इमरजेंसी लागू कर दिए पूरे रमजान के, जितना ये शरीर शयातीन हमारे बंदों के लिए रोजे बिगाड़ इनको अंदर करो सलाखों के पीछे डाल दे, एक महीने तक इनकी टांग बांध ताकि हमारे बंदों के ये रोजे ना बिगाड़ सके। देखो आपको कितनी सेफ्टी दे दी, कितने अल्लाह मेहरबान है, रमजान की कितनी बड़ी फजीलत है, रमजान क्या क्या बरकत लेकर आया। आप क्या समझते हैं बरकत लेके आया, केले मिलते खाने से, लोग रमजान की बरकत क्या समझते हैं, खाना, उसे खाने का ही महीना बना लिया। पूरे रमजान तकरीर होती है कि रमजान में नफ्स का घोड़ा मर रहा है और वो घोड़ा 5 किलो वजन बढ़ जाता है इनके दिन तौल के देखना। कहां घोड़ा, इतना खाते हैं कि 11 महीने में इकट्ठा इतना नहीं खाते जितना रमजान में खा लेते, और फिर भी ये कहते रहते हैं कि साहब बड़ी रियासत का महीना है, मुजाहिदे का महीना है, नफ्स खुशी का महीना। ये नफ्स खुशी का महीना है, 4-4 मर्तबा खा रहे। और यहाँ आके तो मैंने देखा कि यहाँ के लोग तो शायद ये समझ लिए कि हम पैदा ही खाने के। नाश्ते के बारे में ये मशहूर है कि नाश्ता बकदरे बादाम, एक बादाम खा के चाय पी ली हो गया नाश्ता, नाश्ता बकदरे बादाम। यहाँ दस्तरखान पर देखो तो मालूम होता है नाश्ता बकदरे गोदाम। इतना रखा रहता है कि दोपहर के खाने में भी इतना नहीं, या ऐसा लगता है कि वो जो नाश्ता था कि नून अलिफ ना और शीन और ताय मरबूता आ नाश्ता, यहाँ नाश्ता नहीं, यहाँ तो अलिफ के साथ है नाश्ता, दस्तरखान वहां से बिछा वहां तक ता, यहाँ नाश्ता नहीं है, नाश्ता है लंबा। तो खाने के औकात सिर्फ एक टाइम वो दोपहर का जरा चला गया है, नहीं तो खा खा के खूब खा रहे हैं। और जब पूछो बाजे मुअज्जिनीन तो रोजे ही नहीं रहे, उनसे कहो वो कहते हैं लो यही तो खाने का महीना है, इसमें आप कह रहे हैं रोजे रख तो फिर ये इफ्तारी बची है खाएगा कौन। वहाँ बम्बई में एक मस्जिद के मुतवल्ली से मैंने कहा कि तुम्हारा मुअज्जिन तगड़ा भुगड़ता तो इतना बुरा, और अजान दी तो लेडीज आवाज निकालता है, मैं करता है, कोई मस्जिद से बाहर तक आवाज नहीं गई है, और देखने में तो इतना मोटा ताजा हो रहा है, ये आवाज इसकी कहाँ। तो वो मुतवल्ली मुझे कहने लगा कि आप सुन्नत यहीं पढ़ने वाले हैं या मस्जिद से कहीं जाने वाले। मैंने कहा नहीं मैं यहीं पढ़ने वाला, तो क्या सुन्नत पढ़ चुकोगे तब जवाब दूँ। तो खैर मैंने सोचा पता नहीं क्या जवाब देने वाला, सुन्नत पढ़ के मैं इंतजार करने लगा। तो उसने मुझे बुलाया कि चलो आओ मैं बताऊँ, और वो मस्जिद के कमरे में ले गया, एकदम जो खिवाड़ खोला इतनी आवाज टोकरा इफ्तारी से भरा रखा, वो लोग तो कोई एक दर्जन केले ले आया, कोई अंगूर ले आया, कोई ले आया वहां रखा, और लोगों को इतनी जल्दी है कि एक अंगूर मुंह में डाला के अजान हो जाती। बाजे तो मुआजे भजिया हाथ में लेके माइक के बढ़ाए, उसे गप से डाला और
www.attableague.com. इस शैतानी बंद होने के बावजूद भी कुछ शैतानत हमसे सरदा होती, वो ये कहेगा कि अरे साहब शैतान तो बंद है लेकिन अपना तो बंद नहीं है, अपन तो जैसे पहले काली बकते थे अभी भी बक रहे। बहुत से गुना रमजान में भी तो चालू रहते हैं, तो उसकी वजह यह है कि शैतान तो अंदर है लेकिन वाइफ ऑफ शैतान खुली हुई, वो कमबख्त अंदर नहीं, नाग तो बंद है वो नागन खुली हुई, वो जो थोड़े बाद गुना हो रहा है वो नागन करवा रहे, और वो नागन कौन है? नफ्स। एक है नफ्स, एक है शैतान। शैतान जो है वो तो बंद हो जाता है लेकिन वाइफ ऑफ शैतान खुली रहती, और वो जो खुली रहती है वो बड़ी खतरनाक। तो जो थोड़े बहुत गुना हमसे बावजूद रमजान के और बावजूद इमरजेंसी के और बावजूद शैतान के बंद होने के उठते हैं, वो नफ्स तो अंदर है, उस नफ्स की वजह से उस पर कंट्रोल करना। इतना तो कुछ करो, कुछ खुद भी तो जब्त नफ्स करो, नेकियां फ्री में थोड़ी बढ़। बाद कह रहे थे कि साहब रमजान में तो गुनाह होती है तो ये वजह क्या है? मैंने कहा वजह यह है कि जब तुम किसी ढाल पे उतर रहे हो तो साइकिल में 10-20 पैडल जोर से लगाते हो और फिर पैडल रख के बैठ जाते हो, तो एक आदमी साइकिल बिना पैडल के चली जाती। क्यों? कि पैडल खुद लगाएंगे, जब ज्यादा पैडल तो समझ लो पैडल ज्यादा जब लगा लिए जाते हैं तो फिर कुछ देर के लिए पैडल बंद कर दिए जाते हैं, तब भी साइकिल 2-3 फरलांग भाग रही है। क्यों भाग रही है? पैडल तो नहीं लगा रहे, तो भाई पहले ज्यादा लगा चुके इसलिए भाग रहे। तो हमने बुराइयों के पैडल 11 महीने लगाए तो वो इतने तेज लग गए कि रमजान में भी कुछ भागते रहे। वो 11 महीने इतने पैडल लगा दिए हैं कि वो रमजान में भी कुछ देर तो भागते रहे। अल्लाह ताला अपने बंदों पर रमजान में बड़े मेहरबान है कि उन्होंने बड़ी सेफ्टी है इस रमजान को बख्श रखी। इधर तो शैतान बंद कर दिया, उधर अपना ऑफिस दरखास्त लेने के लिए मगरिब के बाद से ही खोल दिया, और इधर ये कहा कि अच्छा भाव बढ़ा, ये करेंसी का भाव बढ़ा था, अभी तो 1 पे 10 मिल रहे थे, अब इनको पूरे रमजान 70 पे, 70 का भाव सिर्फ जुमे को चलता है, पूरे दिनों में जुमा एक ऐसा दिन है कि एक नेकी पर मिनिमम जो बदला मिलता है वो 70 का मिलता है, और जुमे के अलावा बाकी दिनों में भाव 10 का मिलता है, मिनिमम 10 है। ये बात अलग है कि कोई बहुत नेक हो, मुखलिस हो और इंतहाई ज्यादा अल्लाह का मुकर्रब हो तो उसको तो मैक्सिमम की कोई हद नहीं है, अल्लाह ताला उसको 10 लाख भी नेकियां दे दे, लेकिन जो मिनिमम रेट है वो 10 की, जुमे में 70 हो जाते। लेकिन रमजान की ये फजीलत है कि वहां पूरे रमजान नवाफिल का सवाब फराइज के बराबर और फराइज का सवाब 70 गुना मिलता, और रमजान के जुमे में वो 70 पर 70 और बढ़ जाते। यानी रमजान में नवाफिल का सवाब फराइज के बराबर, और फराइज का कितना, फराइज का सवाब इतना के कहीं बताया ही नहीं, उस वो शायद इतना बड़ा हुआ है कि उसका फिगर ही जिक्र नहीं किया। कहीं आप नहीं देखेंगे कि हदीस में ये मजकूर है कि जोहर की नमाज का इतना सवाब और असर का इतना, फराइज का सवाब इतना है कि बतलाए ही नहीं। नवाफिल के सवाब आते, सुन्नत के सवाब आते, मालूम हुआ कि बहुत ज्यादा है कि उसको जिक्र ही नहीं किया गया। उसका फर्द होना खुद इस बात की दलील है कि उसका सवाब कितना ज्यादा है। रमजान में फराइज का जितना भी सवाब है उसका फिगर मजकूर नहीं है, जितना भी सवाब है उस पर 70 बढ़ जाए, और जब रमजान का जुमा आया तो 70 पर और 70 बढ़ जाए। एक एक नेकी पे देखिए, अल्लाह ताला ये चाह रहे हैं कि 11 महीने के बाद रमजान आया कहीं खो ना जाए, मेरा बंदा महरूम ना रह जाए, इसको कुछ रिलीफ देना है। तो वो रिलीफ ये कि भाव बढ़ा दी, अगर भाव बढ़ जाता है फॉरेन करेंसी का भाव बढ़ जाता है तो कितना फायदा होता है, लोग ढूंढते रहते हैं कि भाई एक पोचा कितने का हो गया है, तलाशते रहते हैं, तो वो बढ़ जाता है तो खुश होते हैं, अरे बढ़ गया है, साहब घट जाता है तो सदमा होता है, एकदम 100 पे 50 ही रह गए। जिसके पास वो मुल्क मालदार समझा जाता है जिसके पास फॉरेन करेंसी ज्यादा, मान लो आपके मलावी के पास अगर अमेरिकन डॉलर उसके बैंक में ज्यादा हो तो मलावी मालदार समझ जाए,
और अगर फॉरेन करेंसी ना हो, खाली हो, तो कमजोर समझा जाएगा, बाहर का माल खरीदो उनका। तो ऐसे ही एक आखिरत की करेंसी, जिससे जिस करेंसी से वहां के दर्जात आपको मिले, वो आखिरत की करेंसी को आपको यहाँ कमाना है। आखिरत की करेंसी यहाँ कमा के ले जाओ तो वहां उससे काम चले, और वो आखिरत फॉरेन है, वहां की करेंसी जिसके पास ज्यादा है वो मालदार है। जिस जो आदमी यहाँ 1,00,000 रुपया रखता है वो मालदार नहीं आखिरत के एतबार से, आखिरत के एतबार से वो मालदार है जिसके पास नमाजें ज्यादा है, रोजा ज्यादा है, तिलावत ज्यादा है, जिक्र ज्यादा है, इसलिए कि उसने ये ज्यादा करके आखिरत की करेंसी ज्यादा कमा ली। जब वो वहां जाएगा आपके पास करेंसी कम होगी, उसके पास करेंसी, वहां की करेंसी आमाल है, यहाँ की करेंसी माल है, वहां की करेंसी आमाल है। तो ये 1 महीना मिला है, 11 महीने आपने दुनिया की करेंसी कमाई, 1 महीने आखिरत की करेंसी कमाओ, जमा कर लो वहां के लिए। जिसके पास चाहे वो देखने में कितना ही गरीब हो, अगर आखिरत की करेंसी उसके पास ज्यादा है तो वो सब संभाल रहा है। वहां जब जाएगा वो नोट पे नोट बनाएगा, इसलिए कि वो ले जा रहा है, उसके पास नमाज की करेंसी है, उसके पास ज़कात की करेंसी है, तिलावत की करेंसी है, रोजे की करेंसी है, वो करेंसी तो लेता है। तो अल्लाह ताला ने भाव है, मेरे बंदे महरूम ना, ये है रमजान की बात, मेरे बंदे में, इसलिए कि ये भाव दूसरे महीनों में तो नहीं बढ़ा, जुमे के दिन बड़ा भी होता है तो कुल 70 गुना। वहां ऐसा नहीं है कि जो रमजान की रेट है वो रेट नहीं। तो अल्लाह ने हमें रमजान की बरकत से शैतान बंद, जिससे हमें थोड़ा मस्जिद आने का, 11 महीने में आप रमजान 11 महीने में ईशा के बाद नफिल पढ़ना, बाजी 9 ही रकात पढ़ते हैं, ईशा की 9 ही रकात पढ़ते हैं, 17 पढ़ने वाले तो बहुत कम है मस्जिद में, कोई नहीं पढ़ता नवाफिल वगैरह, न पहले की 4 सुन्नत है, 11 भाई को तो गैर मौकदा। और रमजान में आप क्या कर रहे हैं, रमजान में 20 एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, 20 पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, तो क्यों पढ़ रहे हैं, आप तो 9 पढ़ गई भाग जाते थे, क्यों पढ़ रहे हैं, शैतान बंद। अगर वो बंद ना होता या आपको रेट का पता ना होता कि रेट ज्यादा चल रही है तो आप नहीं पढ़ते। अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि ये पढ़े तो रेट बढ़ा दी और शैतान को भी बंद कर दिया। ये है रमजान की बरकत, ना के रमजान की बरकत सेब और संतरे और कस्टर्ड, ये है बरकत जो रमजान दे रहा है। रमजान मुसलमानों से, मुसलमानों को, मुसलमानों के जरिए इस्लाम का एक मेमोरियल कायम कर रहा है, एक यादगार कायम कर रहा है, कुरान की एक बरसी कायम कर रहा है कि कुरान की हम बरसी मना रहे हैं कि कुरान रमजान में नाजिल हुआ। तो कितने साल में नाजिल हुआ, 23 साल में नाजिल हुआ। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल तक तो नबुवत नहीं मिली, आप साइलेंट रहे, 40 के बाद नबुवत मिली, आमतौर पर 40 के बाद ही नबुवत मिलती है, 1-2 नबी मुस्तस्ना है जिन्हें बचपन में मिल गई थी, वरना आम कानून यही है कि 40 साल के बाद नबुवत मिलती है। 40 साल के अंदर आदमी के सारे कुवा और सारे अकल वगैरह कामिल हो जाती है, 40 के बाद वो घटता है, जैसे सूरज जो है वो सुबह से निकलता चढ़ता चढ़ता 12 बजे तक मुकम्मल हो जाता, 12 के बाद ढलता, ऐसे ही आदमी शुरू से बढ़ता है बढ़ता 40 तक मुकम्मल हो जाता, और 40 के बाद फिर गाड़ी इधर को ढलना शुरू हो जाता, 40 के बाद 41 में नीचे जा रही है गाड़ी, कम होता चला जाता। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक तो बोले नहीं, 40 साल तक नबुवत के प्लेटफॉर्म से कोई बात नहीं, 40 साल के बाद जब नबुवत मिली तो आपने नबुवत के प्लेटफॉर्म से बात की, उस वक्त तक आप खामोश, उम्मीद थे आप ऐसे, उम्मीद थे आप ऐसे, जिस दम जबान खोली दम भर में बेजबान थे, सारी जबान ला, बोले नहीं, बोले नहीं, और बोले तो सब साइलेंट, इंजील साइलेंट, तौरात साइलेंट, ज़बूर साइलेंट, दुनिया का हर धार्मिक सहीफा आउट ऑफ डेट करार दे दिया, सब क्या एक्सपायर डेट आ गई कुरान के बोलते। अब किसी को अगर जन्नत चाहना है कुरान पर अमल करेगा, दूसरे सहीफों पर अमल करके जन्नत मिलने वाली नहीं,
ये कुरान का ऐलान है, इसलिए कि वो सब आउट ऑफ डेट हो चुके। अब अगर उनका इस्तेमाल करोगे तो पॉइजन पैदा हो चुका। आउट ऑफ डेट दवा को कोई केमिस्ट अपनी दुकान में नहीं रख सकता, वरना लाइसेंस जब्त हो जाए। अगर वो आउट ऑफ डेट सिरप रखे हुए, आप उस टॉनिक को ले जाकर हेल्थ मिनिस्ट्री में कहेंगे देखो साहब ये आउट ऑफ डेट दवा बेच रहा है, लाइसेंस जब्त हो जाए। अब किसी का चलन नहीं है कुरान मई अब तक गैर इस्लाम दीन भलाई बला में। कुरान के आ जाने के बाद और आपके बोलने के बाद सब साइलेंट हो गए। यही अकीदा है इस्लाम नासिख अदियान, सारे अदियान इस्लाम में आकर मंसूख कर दिए, इसलिए उनमें जितनी भी अच्छाइयां थी उनका इत्र कशीद करके और सेंट निकाल के कुरान के रूप में पेश कर दिया। सबका चलन बंद थे, सिर्फ कुरान का चलन बाकी रहेगा। जिस शख्स को खुदा की खुशनूदी हासिल करनी है, आखिरत की नजात हासिल करनी है, जन्नत हासिल करनी है, कामयाब होना है, तो कुरान के आ जाने के बाद कुरान से ही वाबस्ता हो जाना पड़ेगा। और कुरान के आने के बाद अगर दूसरे पिछले किसी सहीफे से वाबस्ता हो रहे हो तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कोई शख्स एमए की क्लास में पढ़ने के लिए जा रहा और वो मैट्रिक की किताब दबा के जा रहा है। एमए के क्लास सबक में जा रहा है, वहां एमए के कोर्स और सिलेबस में जो किताब है उसको पढ़ाने के लिए लेक्चरर आया हुआ है और ये मैट्रिक की किताब दबा पूछकर कि हम अरे साहब ये भी तो हमने पढ़ी है, ये भी तो आई है, इसे भी तो गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया है, ये भी तो पहले पढ़ी जा चुकी, हम तो इसी का सबक पढ़ेंगे। अरे भाई अब एमए का क्लास है, तुम पढ़ते पढ़ते तरक्की करते पास होते एमए के कोर्स में आ गए तो एमए के कोर्स की किताब लेके आपको आना पड़ेगा। दुनिया तरक्की करते करते आप ये कहें कि वो जो मैं पहले सब पैदा हुआ था कि नहीं, उस वक्त अम्मी ने जो पाजामा मुझे पहनाया था मैं आज वो ही पाजामा पहनूंगा तो वो पंजे तक आएगा, आएगा या नहीं आएगा। अरे भाई अब तुम 21 साल के हो गए, 21 साल के लिए जो पाजामा जितने मीटर का बनता है वो पहनो, पैदा हुए थे तब तो इतनी सी चड्डी लगा दी गई तो वो ही अब पहनोगे, वो टाइम उसके पहनने का था अब टाइम खत्म हो। जैसे दुनिया का तमद्दुन बढ़ता है ऐसे तदय्युन भी बढ़ता है, इर्तिका होता है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे स्टेप बाई स्टेप तरक्की होती है, पहले छोटा बच्चा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा और फिर एक जगह आके थक जाता है, ये टेटुआ निकल आया अब नहीं बनेगा, नहीं बढ़ता चला जाएगा, खजूर के दरख्त के बराबर नहीं हो जाए, ताल के दरख्त के बराबर नहीं हो, आसमान पे नहीं पहुंच जाए, नहीं 21 पे जाके बंद, अब ये फुल साइज में खुल चुका, अब नहीं खुलेगा, अब नहीं बढ़ेगा, इसके खानदान का यही साइज चल रहा है। ये आम जो लगा हुआ था ये चूंकि हाफूस था, हाफूस का एक साइज है वो छोटा सा निकला था, बढ़ते 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 जब हाफूस के बाद सब साइज पे आ गया, अब बढ़ोतरी उसकी रुक गई, अब ये कामिल हो चुका, अब ये पकेगा, अब खाया जाएगा, ये नहीं है बढ़ते बढ़ते कलिंगड़ बनेगा, कलिंगड़ नहीं बनेगा, उसका साइज खत्म हो गया। तो जैसे दुनिया की हर चीज स्टेप बाई स्टेप बढ़ती 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 चली जाती है और नुक्ते उरूज पर पहुंच कर वो थक जाती है, अब नहीं बढ़ेगी, ऐसे ही दीन का मामला है कि हजरत आदम से दीन चला और वो बढ़ता 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 आया हुजूर पर आकर मुकम्मल हो गया, उसका टैटू निकल आया, अब वो बढ़ेगा, अब वो मुकम्मल हो चुका, उसकी तकमील हो गई, अब कयामत तक बढ़ने वाला नहीं है। अब अगर कोई नीचे का लेके चलेगा तो ऐसा ही है कि जैसे 21 साल का आदमी 1 साल के बच्चे का पाजामा पहनने की कोशिश, अब तो वो ही 21 साल वाला पाजामा पहन। अब जब इस्लाम तकवील के वक्त आ गया, आखिरी पैगंबर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अब आप चाहें कि हम तो हजरत आदम की शरीयत पर अमल करें, हम तो ईसा की शरीयत पर अमल करें, हम तो मूसा की शरीयत पर अमल करेंगे, तो ऐसा ही है कि आप ये कहें हम तो 1 साल का पाजामा पहने, वो मुकम्मल जैसे दुनिया की चीजें स्टेप बाय स्टेप तरक्की करके वो ऊपर पहुंचती हैं, ऐसे ही दीन भी तरक्की करता है। तो वो दीन जिसका जिसका स्टार्टिंग था हजरत आदम से उसमें इजाफे होते रहे, पहले एक नमाज थी फिर दो नमाज हुई, पहले ये था जकात का कानून ये था, हजरत मूसा की शरीयत में मालूम है जकात कितनी थी, 1/4, 100 रुपये, 2500 रुपये, अगर पेशाब कुर्ते से लग गया तो धोने मोने से कुछ काम नहीं चलता, कैंची से काटना पड़ता, ये था। उसमें तब्दीली होते 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 इस्लाम के रूप में वो मुकम्मल हो चुका। अब उसका तहारत का कानून, इबादत का कानून, मामलात का कानून, माशरत का कानून, सोशल कानून, निजी कानून, सब कानून मुकम्मल हो चुका।
जितना उसको बढ़ना था बढ़ चुका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल आखिरी नबी होकर आए। अब कोई दूसरा आखिरी नबी नहीं है कि जो इसमें कोई तरमीम और तंसीक करेगा। जो कुछ भी होना था पहले हो चुका। अब ये उसका बिल्कुल आखिरी मॉडल, लास्ट मॉडल है इस्लाम का। एक वो मॉडल था जो हजरत आदम के जमाने में, उस वक्त तो खेती करने ही इबादत, चूंकि इंसानियत की इब्तिदा भाई बहन की शादी हो जाती। हजरत आदम के यहाँ भाई बहन की शादी हो जाती, एक बतन से एक लड़का लड़की पैदा होते थे, दूसरे बतन से एक लड़का लड़की। इस मर्तबा जो लड़की पैदा हुई है उसको पहले वाले लड़के से और पहले वाले लड़के को पहली वाली लड़की से जोड़ देते थे, निकाह हो जाता था। हालांकि एक माँ बाप से पैदा हुए उस वक्त ये जायज, इसलिए इसके बगैर चारा ही नहीं, कैसे शादी कर। लेकिन वो कानून क्या आज बाकी है? दो बहनें बैक वक्त निकाह में रखी जा सकती थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत अगर बाद में जाके वो बात खत्म हो गई। आज कोई जमा बहन रुख्तैन करना चाहे तो कुरान की रूह से मना, दो बहनें एक शख्स के निकाह में नहीं ले सकती। लेकिन कानून में तब्दीली होते 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 अब कानून ऐसी जगह पर आ गया कि वो इतना मुकम्मल हो गया कि पूरी दुनिया का कोई मुल्क हो ये कानून चलेगा और गैर फित्री और गैर माकूल नजर नहीं आएगा। दुश्मनी से कोई गैर माकूल कहे वो उसकी अकल की खामी है, वरना वो खुदा का मुकम्मल किया हुआ कानून पूरी दुनिया के लिए है और हमेशा के। तो इस्लाम जब आना शुरू हुआ तो हुजूर ने बोलना शुरू किया 40 के बाद, जब पैगंबरी आपको मिली और पहली वही इकरार इस्मे रब्बिक अल्लज़ी खलक आपसे पढ़वाई गई और आपको नबुव्वत दे दी गई और या अय्युहल मुद्दस्सिर के बाद हुजूर ऑन ड्यूटी आ गए, काम शुरू कर दिया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ। 23 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाज़िल होता रहा, कुरान मजीद मुकम्मल हो 23 साल में, 63 साल की उम्र में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को प्यारे हो गए, पर्दा फरमा गए, विशाल हो गए। तो कितने मुद्दत में कुरान मजीद थोड़ा थोड़ा उतरा, इकट्ठा नहीं उतरा जैसे तौरात की पूरी लिखी हुई सिलेटें एकदम तूर पे नाजिल हो गई थी। इंजील जो है हजरत ईसा के कल्ब पर पूरी की पूरी उतार दी गई थी। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद ऐसे नहीं उतरा, कुरान मजीद थोड़ा थोड़ा उतरा, कभी एक आयत कभी दो आयत, कभी एक सूरत कभी दो सूरतें, कभी पूरी बड़ी सूरत कभी आधी सूरत, इस तरह नाजिल होते 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 23 साल में जाकर वो मुकम्मल। तो 23 साल में मुकम्मल हुआ तो कैसे मुकम्मल हुआ? थोड़ा थोड़ा नाजिल होकर, इकट्ठा नाजिल नहीं हुआ, यही तो पोजिशन है। अब मुस्लिम कौम को कहा गया कि 23 साल में जो कुरान मजीद थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ है उसकी एक यादगार, उसका एक मेमोरियल, उसकी एक मिसाल, उसकी एक झलकी, उसकी एक झांकी तुम साल में एक मर्तबा रमजान में पेश करो। कैसे पेश करो? ईशा की नमाज के बाद एक्स्ट्रा 20 रकातें पढ़ो और 20 रकातों के साथ 11 महीने भीतर साइलेंट पड़े हुए थे बेचारे, तनहा अदा होते थे और चुपके चुपके अदा होते थे सिर्रा। कहा गया कि रमजान के पूरे महीने ये वितर अब बोलते हो जाएंगे, अभी तक गूंगे थे अब ये बोलेंगे, और अभी तक ये तनहा पढ़े जाते थे अब जमात के साथ पढ़े जाएंगे और जोर से किरात होगी इन वितरों। चुनाचे आप देखते हैं तरावी के बाद 3 रकातें वितर की जमात के साथ होती है, किरात उसमें जोर से की जाती है, सब लोग इकट्ठे उसी तरह पढ़ते हैं जैसे तरावी उन्होंने पढ़ी है। तो 20 रकातें तरावी की और 3 रकातें वितर की जो 11 महीने से साइलेंट थे वो बोलते हो गए और जमात से पढ़े जाने लगे, जबकि 11 महीने जमात से नहीं पढ़े जाते थे और जोर से नहीं पढ़े जाते थे, रमजान में पढ़े जाते। तो 20 रकातें तरावी की और 3 वितर की, 23 रकातों में सारे लोग हाथ बांध के खड़े होकर एक इमाम के जरिए से हर रकात में थोड़ा 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 कुरान सुनकर ये एक मिसाल कायम करते हैं कि लोगों ऐसे 23 साल में कुरान थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ जैसे हम ये 23 रकातों में थोड़ा थोड़ा कुरान रोजाना पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। ये उसकी एक झलकी है, इसकी एक मेमोरियल है, उसका एक यादगार है, उसकी एक सालाना बरसी है जो हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा कुरान 23 साल में थोड़ा थोड़ा कैसे नबी पर नाजिल हुआ। तो सुनो ऐसा नाजिल हुआ तरावी के बाद, जो ईशा की नमाज के बाद तरावी और वितर की शक्ल में 23 रकातों में इमाम पढ़ता है। 540 रुकू है कुरान मजीद में,
वो 20 रकातों में 20 रुकू डेली पढ़ रहा, और 3 वितरों में भी वो किरात करता है सूर्य फातिहा के अलावा, तो 23 रकातों में जो किरात हो रही है वो यादगार है कुरान के उस नुजूल के मंजर की, उस मंजर की तिमसाल और झलक मुसलमान 1 महीने तक पेश करता है कि इस तरह हमारे हुजूर पर थोड़ा थोड़ा 23 बरस में कुरान नाजिल हुआ, जैसा कि हम रोजाना थोड़ा थोड़ा 23 रकातों में पढ़ रहे हैं। देखा रमजान की बरकत, रमजान क्या लेके आया, क्या वितर जोर से पढ़े जाते थे, ये किसकी बरकत है, रमजान की बरकत। क्या वितर जमात से पढ़े जाते थे, ये किसकी बरकत है, रमजान की बरकत। क्या ये 23 रकातों में वो कुरान के नुजूल की मेमोरियल और यादगार कायम 11 महीने में होती है, नहीं होती, ये रमजान की बरकत। रमजान ने आपको क्या दिया, रमजान ने आपको ये दिया कि आप कुरान मजीद की यादगार कायम किए हुए, और सब दुनिया का कोई, दुनिया की कोई किताब मैदान में नहीं है जो कुरान का मुकाबला कर सके। यही दुनिया धार्मिक करोड़ों ग्रंथों में अगर कोई ग्रंथ है, कोई मुकद्दस सही पाए तो कुरान है, जो A to Z अव्वल से लेकर आखिर तक मुस्लिम कौम उसको 1 महीने तक सारे लोग खड़े होकर सुनते, इमाम भी खड़ा है और मुक्तदी भी खड़े, दुनिया की कोई किताब शुरू से आखिर तक खड़े होकर नहीं सुनी जाती और पूरी नहीं सुनी जाती, कुरान मजीद सुना जाता, A to Z सुना जाता और सारे मुसलमान खड़े होकर सुनते, और मुसलमान कुरान इतना पढ़ता है कि आज गए गुजरे दौर में भी ये दावा किया जा सकता है कि 1 रमजान में पूरा मुसलमान आलम का जितना कुरान पढ़ रहा है, अगर उसे तराजू के 1 पर्दे पर रख दो तो दूसरी धार्मिक किताबें अपनी पूरी लाइफ में जितनी वाची और पढ़ी गई है उसे 1 पर्दे पर रख दो, कुरान का पढ़ना झुक जाए, वो पूरी लाइफ में उतनी नहीं पढ़ी गई, बल्कि मैं तो आगे बढ़ के दावा करता हूँ कि रमजान के 1 दिन में जितना कुरान पढ़ा जा रहा है पूरे आलम में, पूरे वर्ल्ड में, वो इतना है कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ अपनी पूरी लाइफ में उतना नहीं पढ़ा। जबकि हम रात दिन मुसलमानों को बुरा भला कह रहे हैं, अरे तुम बिगड़ गए हो, कुरान से तुम्हारा रिश्ता नहीं रहा, तुम ऐसे हो गए, तुम ऐसे हो गए, तुम बिगड़ गए। इस बिगड़े हुए हाल में भी मुस्लिम कौम मर्द औरत इस वक्त रमजान में रोजाना इतना कुरान पढ़ रहे हैं कि कोई मजहबी किताब रोजाना इतनी नहीं पढ़ी जाए, और मजहबी किताबों का हाल तो ये है कि ये पढ़ सकता है वो नहीं पढ़ सकता, औरत नहीं पढ़ सकती, मर्द ही पढ़ सकता, प्रिस्टहुड चलती है ब्राह्मण पढ़ सकता है, शूद्र नहीं पढ़ सकता, हाथ लगा देगा तो हाथ काट दिया जाएगा और कान से अगर सुन लेगा तो शीशा पिघला के डाला जाएगा, ये कानून लिखा हुआ उसका, उसकी पढ़ने की अथॉरिटी और हाथ में लेने की अथॉरिटी और घर में रखने की अथॉरिटी सिर्फ उसी को हासिल है जो जो ब्राह्मण हो, वो ही पढ़ सकता है, दूसरे सब मोहताज हैं उसकी, वो सुन भी नहीं सकते क्योंकि मुकद्दस सही बात इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं, इसलिए सब खड़े होकर सुनते हैं, फकीर भी सुन रहा है, गरीब भी सुन रहा है, गरीब भी सुन रहा है, अमीर भी सुन रहा है, बादशाह भी सुन रहा है, छोटे से छोटा पेशावर भी सुन रहा है, आज इस्लाम लाया वो भी सुन रहा है, जिसके दिल में आए हाथ में कुरान ले ले कोई मना हाथ नहीं काटता, जिसके दिल में आए वो सुन ले कोई उनके कानों में शीशा पिघला के नहीं डालता, बल्कि एक एक बिल्कुल 2 पैसे का आदमी जिसको दुनिया 2 पैसे का करार दे रही हो अगर वो हाफिज है तो वो कुरान सुनाएगा और बादशाह ज़ादे और सैयद ज़ादे पीछे खड़े होकर सुनेंगे। इस्लाम में कोई डिफरेंस ही नहीं है, ये रमजान की बरकत नहीं है कि आप पूरा कुरान मजीद खड़े होकर सुन रहे हैं और इस्लाम में नुज़ूल कुरान की यादगार कायम किए हुए हैं, ये रमजान की बरकत है, ये रमजान की बरकत। रमजान रोजे लेकर तो आया ही, रोजे लेकर तो आया ही, मगर वो रोजे के साथ साथ इस्लाम की अहम तरीन इबादत नमाज को भी साथ में इतनी बड़ी मकदार में लेकर आया कि दूसरे महीनों को वो नसीब नहीं। रोजे तो आए ही लेकिन बगल में नमाजें भी दबा लाए, एक्स्ट्रा 20 रकात दबा के लाए। देखिए खुद तो आए ही वो, लेकिन एक अहम तरीन इबादत को ज्यादा मकदार में लेकर आए, और ऐसे लेकर आए कि पहले नमाज आ गई, रोजा तो बाद में आया। चांद आपने देखा तरावी पहले होती है, रोजा तो कल से रखा जाए, तरावी पहले ही शुरू हो गए, नमाज पहले ही आ जाती है, देखा होगा कि नहीं, चांद देखते ही तरावी पढ़ लेते हो, नहीं
तो तरावीफ पहले हो जाती है, रोजा भी करना, रोजा तो कंसर रह जाएगा, तरावी पहले। तो नमाज जो अहम तरीन इबादत थी, रोजे ने कहा कि मैं तो आया ही हूं लेकिन इस इबादत को मैं और 11 महीनों के मुकाबले में ज्यादा लेकर आया हूं। मैं रोजा ही नहीं हूं, मैं नमाज भी, मेरे अंदर नमाज भी है, मैं नमाज का भी जामे हूं, मैं रोजा ही नहीं हूं, मैं अपने अंदर नमाज भी रख, मेरे अंदर नमाज भी मौजूद है और आला शक्ल में मौजूद है, जो 11 महीनों को हासिल नहीं थी वो मेरे अंदर मौजूद है। 11 महीने में तरावी कहां पड़ी जाती, 11 महीने में इतनी नमाज कौन पढ़ता था जितनी रमजान में पड़ी जाती। टोटल लगा के देखो, हर आदमी रमजान में कुछ रकात ज्यादा ही पढ़ता है, नहीं है। एक मुसलमान को ये फजीलत हासिल है कि वो 24 घंटे में खुदा को 100 सजदे करता है। दुनिया की कोई कौम ने आज तक 24 घंटे में खुदा को 100 सजदे नहीं किए, मुसलमान करते। ये इस्लाम की खसूसियत, मुस्लिम कौम सारी कौमों पे फख्र कर सकती है कि हम एक ऐसे मजहब के मानने वाले हैं कि उस मजहब ने हमें 100 मरतबा पेशानी और नाक अपने खुदा के कदमों में रखने का मौका नसीब किया है, जो चाहेंगे मांग लें। ये सआदत किसी भी मजहब के मानने वाले पात्र नहीं, इसलिए 5 नमाजें किसी भी दौर में फर्ज नहीं है, किसी दौर में 2, किसी दौर में 1, किसी में 3, 5 किसी में 2। और ईशा की नमाज तो किसी दौर में फर्ज नहीं रही उम्मत मोहम्मदिया की। ये एक ऐसी कौम है कि 100 सजदे अल्लाह को करती है। कैसे करती है 100 सजदे रोजाना, 24 घंटे में 100 सजदे, इस तरह गिन लो कि जो नमाजें 5 वक्त में मुसलमान पढ़ता है उन 5 नमाजों में 17 रकातें तो फर्ज है और 3 रकात वाजिब है और 12 रकातें सुन्नत मुअक्कदा है और 16 रकातें सुन्नत गैर मुअक्कदा और नवाफिल। गिन लेना, टोटल लगा लेना फजर से लेके ईशा तक, ये 48 रकातें हो जाती। और अल्लाह किसी को तौफीक दे तो मगरिब के बाद 2 रकातें आप अभी के नियत से पढ़ ले, और तौफीक अगर ये नहीं तो तहज्जुद में तौफीक मिल जाए तो 2 पढ़ ले, उसमें भी ना मिले तो वितर से पहले तहज्जुद की नियत से ईशा के बाद 2 रकातें पढ़ ले। और 2 रकातें तो मुसलमान 24 घंटे में जो 5 नमाजों का आदमी है पढ़ ही लेता है, तो 50 रकातें हो गई। 50 रकातों में सजदे कितने हुए, 100 सजदे, हर रकात में 2 सजदे। तो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला मुसलमान रोजाना 100 सजदे करता है, इसलिए 50 रकातें पढ़ता है। 50 रकातों में 17 फर्ज हैं, 3 वाजिब हैं, 12 सुन्नत मुअक्कदा हैं, 16 गैर मुअक्कदा हैं, और 2 रकात अभी तहज्जुद कोई ऐसा। तो 50 रकात में, 50 रकात में कितने सजदे हुए, 50 रकात में 100 सजदे हुए, इसलिए 1 रकात 2 सजदे होते। तो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले की पेशानी में 100 सजदों का नूर और लाइट। और रमजान शरीफ की एक बरकत यह है कि उसने एक चिल्ला और बढ़ा दिया सजदों का, 40 सजदे और बढ़ गए, इसलिए कि तरावी बढ़ जाती है। तरावी में 20 रकातें, 20 रकातों में 40 सजदे, 140 सजदे हो गए। किसी महीने में भी आदमी रोजाना 140 सजदे नहीं करता, 100 सजदे करता, लेकिन रमजान के हर दिन में वो 140 सजदे करता है। जब ईद की नमाज पढ़ने जा रहा होगा तो 4200 सजदों का नूर उसकी पेशानी में, टोटल लगा लेना। जब वो ईद की नमाज पढ़ने जाएगा तो महीना भर में उसने जो सजदे किए हैं वो सजदे 4200 होते हैं उनका फिगर। ये तो वो सजदे हैं जो और नमाजों को हमने नहीं गिना, अब अबीन को नहीं गिना, चाश्त को हमने नहीं गिना, और जो लोग दूसरी नमाजें पढ़ते रहते हैं, कोई कजा की पढ़ रहा है, कोई किसी की पढ़ रहा है, वो तो हमने गिने ही नहीं है। वो गिनो तो जाने कितने सजदे, हम तो एक लोकल टोटल लगा रहे हैं। 140 सजदे जिस महीने में डेली मुसलमान कर रहा हो उस महीने का क्या कहना, क्या रमजान की फजीलत के मुकाबले में कोई महीने में जुरत है जो रमजान से कुश्ती लड़ सके। रमजान ऐसा गामा पहलवान है कि किसी महीने में ताकत नहीं है कि वो उससे पंजा मिला सके, इसलिए कि उसकी गोद में और झोली में तो ऐसी ऐसी चीजें हैं कि किसी महीने ने ख्वाब में भी नहीं देखी। 140 सजदे किसी के पास है, शैतान किसी महीने में बंद है, जो भाव मिल रहा है वो किसी महीने के पास है, जो ऑफिसेज मगरिब के बाद से खुल जाते हैं ये फजीलत किसी दूसरे महीने के पास है, रमजान में रोजा फर्ज इबादत मौजूद है वो किसी महीने के पास है, किसी के पास नहीं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि